हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद एश। दिस इज आशु। सो बात करते हैं गाइस आज की वीडियो की। तो गाइस, इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रही है, 3D जूम इफेक्ट स्ट्रॉब वाली, जो कि हम कैपकट के थ्रू बनाते हैं। सो गाइस, उसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले हमें किसी टेलीग्राम पे जाओ, उसको इंस्टॉल करो और देन VPN से कनेक्ट करो और देन ब्ला 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 वीडियो बना के अपलोड कर दो इंस्टाग्राम पे। बट गाइस, अब सुना है कि इंस्टाग्राम पे एक ऐसा फिल्टर आ गया है कैपकट वाला, जिसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक टैप में आपकी वीडियो वीडियो में आ जाता है कैपकट वाला। सो गाइस, हमें आज उसी इफेक्ट को चेक करना है कि सच में वो इफेक्ट काम करता है या नहीं करता रियल में, और सच में कैपकट वाला इफेक्ट आता है या नहीं आता है। सो ये सब चीजें हमें टेस्ट करनी है, तो चलो टेस्ट करते हैं। सो या लेट्स गो। सो गाइज, ये है मेन स्क्रीन मेरे फोन की। अब हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रही हूँ। तो या गाइस, यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। देन आप ये प्लस वाला आइकन पे जाइए, यहाँ पे स्टोरी का ऑप्शन होगा वहाँ पे जाइए, क्योंकि पहले हमें फ़िल्टर सेव करना है। सो हम जा रहे हैं सबसे लास्ट में ब्राउज इफेक्ट में। यहाँ पे क्लिक करने पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको डालना है CAPCUT कैपकट। तो यहाँ पे ट्रेंड बॉक कैपकट करके एक फ़िल्टर है, आपको वो ओपन करना है। तो यहाँ पे सेव है, सेव कर लो। यहाँ से आप सेव कर लोगे तो आपके मेन फ़िल्टर वाले स्क्रीन पर आ जाएगा वो। देन सिंपल यहाँ से हट जाओ। उसके बाद फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने पर रील पे जाओ। देन यहाँ पे आपका वो इफेक्ट आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे गाइज, एक चीज़ ये है कि ऐड मीडिया का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आपको लाइव रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी अच्छा सा पोज दे लो, तो मैंने ये पोज दे दिया है, और आप ये आपका खुद फिल्टर विल्टर ऑटोमेटिकली करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो, और आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बनकर आ जाएगी। गाइज, ये ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करने से सेव हो जाता है, तो आप सेव कर सकते हो। तो मैं यहीं से इसको सेव कर लूँगी। देन अपलोड करना है, तो नेक्स्ट पे जाके क्लिक करके। एंड गाइज, म्यूज़िक का भी कोई इशू नहीं है, म्यूज़िक ऑटोमेटिकली फ़िल्टर के साथ सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपलोड नहीं करूँगी, डायरेक्ट डिस्कार्ड कर दूँगी। दैट्स इट। सो गाइज, ये है हमारी फाइनल वीडियो। सो गाइज, जैसे कि आपने अभी देखा कि हमने टेस्ट करा वो फिल्टर। तो गाइज, उसमें एक चीज़ जो कि मैंने पहले भी कही कि यहाँ पे ऐड मीडिया का ऑप्शन नहीं है, तो गाइज आपको लाइव वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। सो गाइज, ये चीज़ थोड़ी अटपटी सी लगी कि गाइज ऐड मीडिया का ऑप्शन उसमें होना चाहिए था, ताकि हम कोई फोटो डाल सके, तो उसमें थोड़ा बेटर पता लगता। सो गाइज, कैपकट अपनी जगह ठीक है, कैपकट में ही सही से होता है। एंड गाइज, ये अपनी जगह जो भी है ऐसे बना दिया है कि भाई यहाँ पे आप एक एक टैप में बना सकते हो। सो गाइज, मुझे कैपकट ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो गाइज, यहाँ पे मैं आपको इसके बाद एक वीडियो दिखाती हूँ। सो गाइज, ये वाली वीडियो, तो गाइज इसमें आप देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया है। मैंने ये बहुत पहले बनाया था, जब 3D जूम वाली ये वाली वीडियो काफी ट्रेंड पर चल रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कैपकट के थ्रू। एंड बट अनफॉर्चुनेटली गाइज, मैंने इसका कोई ट्यूटोरियल नहीं डाला था, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतना एडिटिंग का ट्यूटोरियल नहीं डालती थी। सो गाइज, ये मैंने बनाई थी, तो आप इसमें देख सकते हो कितना अच्छा 3D जूम इफेक्ट आया है फोटोज पे। जैसे वर्ल्ड एक्स एच बॉय वाला ट्रेंड आया था, ये कुछ वैसा ही है। तो गाइज ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है, हम इसे भी खराब नहीं बोलेंगे। इंस्टाग्राम हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को कम करने की कोशिश करता है, बट कोई बात नहीं गाइज, कैपकट अपनी जगह पे है और इंस्टाग्राम अपनी जगह पे है, इसका जो फिल्टर है वो अपनी जगह पर है। सो गाइज, ये था हमारा रिव्यू और टेस्ट और ट्यूटोरियल ऑन ट्रेंडिंग कैपकट रील वीडियो। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना गाइज। बाय बाय।